बिस्मिल्ल रहीम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली हम आपको नास कुक्स में खुशाम कहते हैं तो आज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही मजेदार अफगानी बटर चिकन बनाएंगे आज हम बहुत ही जबरदस्त इसकी रेसिपी है बनाएंगे आप आप बहुत इंजॉय करेंगे तो यहाँ मैंने एक किलो टमाटर ले लिए हैं इनको मैंने काट के रख दिया इस तरह ताकि हम इसके छिलके आसानी से रिमूव कर सकें दो प्याज ले लिए हैं हरी मिर्च मैंने चॉप करके इसके ऊपर डाल दी हैं और मसालों में जिन मसालों की मुझे इसमें जरूरत है उसमें मैं लोंगी काली मिर्च पाउडर लिया मैंने एक चम्मच सफेद मिर्च पाउडर लिया एक चम्मच एक चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया सूखा धनिया मैंने डेढ़ चम्मच लिया ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से हमारे चिकन में आए तो यहाँ जी मैंने रख दिया चिकन और इसके ऊपर मैं डालूंगी अब थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे ताकि इनके छिलके आसानी से रिमूव हो जाए और ये अच्छा सा पक जाए और यहाँ मैंने अदरक लहसन का पेस्ट जो है उसको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से मिक्सचर बना के अपने पास रख लिया ये हम वक्फे वक्फे से चीज़ें ऐड करेंगे एकदम इसमें हम सब कुछ ऐड नहीं करेंगे और अब के हम हम इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से जब थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसमें अदरक लहसन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे पांच से दस मिनट हम पकाएंगे चिकन है चिकन आपको पता है फौरन से गल जाता है इसीलिए हम पानी ज्यादा ऐड नहीं करेंगे पानी ज्यादा ऐड करने से चिकन जल्दी गल जाता है और टूटना शुरू हो जाता है हमने बोटी को तोड़ना नहीं है बिल्कुल वैसे ही रखना है जिस तरह हमने पकाने का सोचा हुआ है तो यहां मैं सारे इनके छिलके जो है वो रिमूव कर दूंगी क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अफगानी कढ़ाई ये बहुत ही जल्दी बन जाती है झटपट बनती है और बहुत ही जायके से भरपूर बनती है और आप किसी भी चम्मच के साथ इनको जो है मसालों को अच्छे तरीके से पीसते जाए साथ साथ ये नमक डालने का हमारा मकसद यही होता है कि मसाले जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और इन्हें पीसने में आसानी हो तो यहाँ सारे मसाले में अच्छी तरह से साथ साथ पीसती जा रही है और साथ साथ हमारा गोश्त जो ये बनता जा रहा है अच्छे से अगर आपको हो इसमें कोई मसला फिर पानी ज्यादा डल गया तो आप उसमें से गोश्त को अलग कर लें फिर मसाले को अच्छी तरह से आप भून लें अच्छी तरह से देखे मैंने मिक्स कर दिया मसाला बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा ना टमाटर ना प्याज ना हरी मिर्चें बिल्कुल अच्छे तरीके से वो इसमें मिक्स हो चुकी हैं अब हम इसमें तीन से चार चम्मच जो है वो दही के ऐड करेंगे लास्ट में हम दही ऐड करेंगे पहले हम इसमें दही ऐड नहीं करेंगे दही डाल के फिर हम अच्छा सा इसको भूनेंगे और अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार करेंगे दोबारा दही डाल के और जब ये खत्म हो जाएगा इसमें से दही का तमाम कलर तो फिर हम इसमें ये तमाम स्पाइसेस जो हमने रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम कढ़ाई को अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और यहाँ मैंने मक्खन ले लिया तीन से चार चम्मच हम इसमें मक्खन के ऐड करेंगे फिर इसी तरह हम मक्खन को इसमें मिक्स करेंगे वक्फे वक्फे से मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम चीजें इसमें ऐड करेंगे एकदम से हम चीजें इसमें ऐड नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कढ़ाई को बनाएंगे और बहुत ही ये लज्जत वाली कढ़ाई तैयार होगी हमारी फिर आप इसमें देसी घी डालना चाहें देसी घी ऐड करें कुकिंग ऑयल डालना चाहें कुकिंग ऑयल ऐड करें और यहाँ जी हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो है तैयार है इसमें हम कोई हल्दी नहीं ऐड करेंगे कोई कश्मीरी मिर्च ऐड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे तो ये ज़बरदस्त जी हमारी कढ़ाई का रिजल्ट तैयार है तो यहाँ जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल जबरदस्त तैयार है इसके ऊपर हमने गार्निशिंग करने के लिए अदरक हरी मिर्चें और धनिया चॉप करके रखा हुआ था वो हमने ऐड किया आप इसको चटनी के साथ दही की चटनी के साथ चपाती के साथ सर्व करें बहुत ही लज्जत वाली है कड़ा ही तैयार हुई है आई होप हमारी आज की रेसिपी आपने इंजॉय की होगी अगर इंजॉय की है तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में आपके दस्तर खान में और आपके रिस्क में ऐसे ही रौनक बनाए रखे मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखे अल्लाह हाफिज